रोटरी क्लब सोलन मिड टाउन द्वारा सोलन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शरीर के जोड़ों में होने वाले दर्दों का निशुल्क उपचार किया गया और साथ ही रोगियों को निशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने रोगियों को शरीर में होने वाले दर्द से एक्यूप्रेशर और हर्बल मेडिसिन द्वारा किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है पर मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शरीर में होने वाले दर्द से बिना किसी दवा के प्राकृतिक तौर पर किस तरह बचा जा सकता है। इस शिविर में लोगों ने निशुल्क चिकित्सा के बेहतर लाभ उठाए और अपनी विभिन्न शंकाओं का चिकित्सकों के परामर्श से समाधान भी किया। इस मौके पर हिमांशु घोषला ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं जो आयुर्वेदा पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रसोई आयुर्वेदा से भरी रहती है जिससे आसानी से इलाज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज उनकी संस्था द्वारा शरीर में होने वाले आकस्मिक दर्दों को लेकर शिविर लगाया जिसमें शहर वासियों ने निशुल्क चिकित्सा प्राप्त की और डॉक्टरों से आवश्यक परामर्श भी लिया ताकि वह अपनी तकलीफ को कम कर सकें। और आयुर्वेद जैसा कि सभी जानते हैं बहुत पुरानी एक चीज है, 5000 साल पुराना आयुर्वेद है। हमारी जो पूरी रसोई है, हमारा जो पूरा किचन है आयुर्वेद से भरा होता है। हमारे जितने मसाले हम यूज करते हैं पूरे आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आयुर्वेद को यूज़ करके बॉडी को अल्टरनेट थेरेपीज के साथ ठीक करें और सभी लोगों को हम कहते हैं कि हेल्दी होने का एक हक है, उनको हेल्दी होना चाहिए। हमारी जो जितनी भी टीम है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, अल्टरनेट थेरेपीज के ऊपर काम करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ताकि जितने भी बॉडी के हमारे टॉक्सिन हैं वो सारे निकले, बंदे ठीक रहें। और हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि हम हफ्ते के अंदर 2 कैंप कम से कम या 3 कैंप लगाएं जिसमें लोगों को ज़्यादा फायदा हो। और काफ़ी हद तक ये हमारे फ्री कैंप्स रहते हैं